कसम से। वाकई क्या बोल रहा है, बैलेंस खत्म हो गया सर। अरे नेहा दोबारा आ गई, मेरी कशिश खींच के ले आई तुम्हें। सर बोमन सर कैसे हैं आप सर? एक बात पूछिए सर, आप इतने देर से इंडस्ट्री में आए, क्या रिक्शा नहीं मिल रहा था, क्या हुआ था? पैदल ही आ जाते, कोई चील पे बैठ के आ जाता, क्या मसला था? देखिए दास को देखिए, जल्दी जल्दी में आया, जल्दी जल्दी में निकल भी जाएगा। सही है सही है। मेरी बीवी कहाँ रह गई? मनुष ये कौन रहने देता है? मैं कहीं रहने जाता हूँ, वो कहीं और रहने चले जाते हैं वो तो। ये बता तू चाय लेके नहीं आई? वैसे मैं दूध लेने गई थी लेकिन दुकानदार ने देने से मना कर दिया। क्यों? उसने कहा देखो यहाँ पर इंसानों के लिए पूरा नहीं पड़ता, तुम घर जाके एक चूहे को पिलाओगी। बात सुनो मिसेस चुहिया, तुम क्या हमारे घर में झांक रहे हो यार? दूध की बात हो रही, महंगी चीज है, देखिए ना व्हाइट कलर की होती है। ये तो बेचारा इतना गरीब है, कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा है ना वहाँ खड़ा होकर कह रहा होता है खट्टी है मीठी है कैसी है। मैंने भी पैसे जमा किए, अगली दिवाली पे पीऊंगा मैं भी। अरे नेहा दूसरी बार आई हमारे शो पर। हाँ। अनाप शनाप मत बको, उसे कैसा लगेगा? उसे बहुत अच्छा लग रहा है, आज टाइम से यहाँ खाना मिल रहा है सेट पे। घर पे होती बेचारी पूरे मोहल्ले से कहती डाइटिंग क्या करो मेरी तरह। गरीबी का नाम डाइटिंग रखा हुआ है इसमें। आप लोग प्लीज इनकी बकवास का बुरा मत मानिए, वो क्या है ना आप लोगों की तरह फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल करने आए थे लेकिन किसी ने मौका ही नहीं दिया। हाँ ये भी स्ट्रगलर है, मैं भी स्ट्रगलर, हमारे एक ही गुण मिलते हैं इसलिए हमने स्ट्रगल करके शादी कर ली। वैसे नेहा पता है अगर मेरी इनसे शादी नहीं हुई होती ना तो आज मैं आपकी फिल्मों में लीड एक्ट्रेस का रोल कर रही होती। अच्छा तू उनकी नकल करेगी, बराबरी करेगी? क्यों? अबे तू उनसे अच्छा काम करे, 250 कमा रही रोज के। वैसे बमन सर को देखे ना, आज भी कितने जवान लगते हैं, और एक तुम हो, जवानी में भी बूढ़े ही लगते थे, आज भी बूढ़े लगते हो। इनफैक्ट ये जब पैदा हुए थे ना तो दाई ने कहा है इतना पुराना बच्चा, जाले लगे हुए बच्चे के ऊपर, यूं झाड़ झूड़ के माँ को कहा ये लीजिए आपके घर पर बुजुर्ग बेटा पैदा हुआ है। चले मैं तो पैदा हुआ था, ये तो पैदा भी नहीं हुई थी, अम्मी ने छींक मारी, अच्छी वो पड़ी उठा लो। वैसे बमन मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं आपके साथ एक फिल्म में हीरोइन बनकर आऊं। वेरी गुड, हीरोइन बन के आओ। हीरोइन? इस बात पे वही तुझे मारेंगे। क्यों? तो वो कब हीरो आया, तपा रही है तो उनको? चुप करो, शिरीन फरहाद की निकल पड़ी में हीरोइन बन के आए थे। हाँ उसमें तो सियाना बनती की थी, उन्होंने हीरोइन लिया फराह खान को, इल्जाम लगाने के लिए औरत भी चाहिए थी ना। वैसे वीर कल मैं तुम्हारा विकिपीडिया पेज देख रही थी, वहां पर तुम्हारी फोटो लगी थी यूं हाथ जोड़े जी, अभी भी लोगों से मस्तीजादे के लिए माफी मांग रहे हो? आए हाय। और मेरे को क्यों लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि इस लड़के का करियर सही होने वाला है, साइकिल का, इस पे अखबार बेचेगा ये। क्या बकवास कर रहे हो, मेरा दोस्त साइकिल पे अखबार बेचेगा? हाँ दूध बेचेगा। और हमें उधार भी देगा। सिर्फ उधार लेने के लिए तो मैं कारोबार कराया है इसने। ठीक है हम लोग घर जा रहे हैं, दूध लेके फौरन पहुंचो, व्हाइट कलर का होता है ना यार।